दोस्तों, Qualcomm ने अनाउंस कर दिया है अपना नया प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 690। एंड ये 675 के आने के बाद ये प्रोसेसर जो है ये काफी दिनों बाद आया है, मतलब साल भर का वेट करवाया Qualcomm ने। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी प्रोसेसर के बारे में बात करने वाला हूँ, ओनली ऑन टेक्निका। तो बात करें प्रोसेसर की, तो जो प्रोसेसर है ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और सीपीयू यहाँ पे यूज किया गया है क्रायो की तरफ से आने वाला 560 2.0 गीगाहर्ट्ज पे ये क्लॉक्ड है। और अगर बड़े फैब्रिकेशन पे तो यहाँ पे यूज किया गया है 8 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन। अब आप सोचोगे कि ये नंबर सबसे हमको नहीं, मतलब कितना बूस्ट मिलेगा एक्चुअली डे टू डे लाइफ में। तो Qualcomm का खुद का ही कहना है कि 20% बूस्ट मिलने वाला है 675 से। नहीं समझ पा रहे हो 675 कौन सा फोन में आपको मिल रहा था, तो सबसे पहले इसने डेब्यू किया था नोट 7 प्रो के साथ, नोट 7 प्रो जो कि आपको एक साल पहले लॉन्च हुआ था Xiaomi की तरफ से। तो वो फोन अगर आपने चला रखा है तो इससे 20% बूस्ट आपको मिलेगा सीपीयू परफॉर्मेंस में। मेमोरी में बात करें तो मेमोरी यहाँ पे है LPDDR4X की और जो आपको जो क्लॉक्ड स्पीड है वो मिलती है 1866 मेगाहर्ट्ज की और मैक्सिमम मेमोरी आप लगा सकते हो 8GB की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, एम रखते हैं 20 लाइक्स का, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशंस हमेशा मिलती रहे। सबसे ज्यादा इंप्रूव यहाँ पे किया गया है कैमरा डिपार्टमेंट ने इस बार बहुत ज्यादा अपग्रेड देखने को मिला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है Qualcomm Spectra 355L इमेज सिग्नल प्रोसेसर। अब अगर मैक्स कैमरा के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 192 मेगापिक्सल का कैमरा यूज कर सकते हो, मतलब कि आपको हो सकता है कि एक फोन मिल जाए 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल या इवन 48 मेगापिक्सल के साथ, पर यहाँ पे कोई भी MFNR का सपोर्ट नहीं मिलेगा 192 मेगापिक्सल पे। अगर आपको MFNR चाहिए तो 48 मेगापिक्सल पे आपको यूज करना पड़ेगा सिंगल कैमरा। अब आप सोचोगे कि MFNR क्या होता है, MFNR मतलब मल्टी फ्रेम नॉइज रिडक्शन, और ये काम आता है नाइट फोटोग्राफी में। अगर आप नाइट फोटोग्राफी करते हो तो यहाँ पे आपका फोन करेगा क्या कि आपका बहुत सारा मल्टीपल शॉट्स खींच लेगा और सभी को कॉम्बाइन करके एक शार्प और एक ज्यादा डिटेल वाली पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा यूज कर सकते हो। आप डुअल में भरे तो 32 प्लस 16 मेगापिक्सल आप यूज कर सकते हो विद दिस सपोर्ट, मतलब MFNR का सपोर्ट के साथ 32 प्लस 16 आप यूज कर सकते हो। और ये जो प्रोसेसर है ये स्लो मोशन से भी वंचित नहीं रहने वाला है, आपको इसमें मिलेगा 720 पिक्सल पे 240 FPS का स्लो मो वाला वीडियो। तो आप इस वाले SoC से स्लो मो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस प्रोसेसर का खास बात है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पे आपको मिलता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पे, और जो 4K रिकॉर्डिंग होगी ना वो होगी HDR में, मतलब 4K HDR रिकॉर्डिंग, और जो कोडेक होगा वो होगा HDR10 का। तो आप समझ सकते हो कि जो आपका जो वीडियोग्राफी होने वाला है उसमें काफी अच्छा डायनेमिक रेंज मिलने वाला है, आपका जो डिटेल होगा वो तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। और लास्टली वीडियोग्राफी का एक सबसे बेस्ट फीचर के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे मिलता है बोके वाला इफेक्ट, मतलब वीडियोग्राफी में बोके, जिस तरह से आप पोर्ट्रेट मोड खींचते हो फोटोज में तो आपको पोर्ट्रेट मोड दिखने को मिलेगा वीडियोग्राफी में भी। तो अगर आप वीडियोग्राफी के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इस प्रोसेसर के लिए वेट कर सकते हो। GPU के बारे में बात करें तो यहाँ पे यूज किया गया है Adreno का 619L GPU, Vulkan 1.1 का सपोर्ट भी है। अब आप समझोगे कि ये सबसे हमको मतलब नहीं, कितना परफॉर्मेंस बूस्ट आपको मिल रहा है। तो 675 यानी नोट 7 प्रो जो था उससे आपको 60% बूस्ट देखने को मिलेगा, और ये Qualcomm का ही कहना है। और जितने मैंने यहाँ पे फैक्ट्स कवर किए सभी आपको Qualcomm के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर आप अभी ये सब पे ज्यादा ध्यान मत दो, एक बार फोन लॉन्च होता है कोई भी इस प्रोसेसर के साथ या इस SoC के साथ तब बेंचमार्क करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि रियल डे टू डे लाइफ में कैसा प्रोसेसर है ये। अब जानते हैं इस SoC के कुछ क्विक स्पेक्स। सबसे पहला, इसमें आपको मिलता है Snapdragon का X51 5G मॉडम। ये जो SoC है 5G सपोर्ट करेगा, पर यहाँ पे सबसे खास बात है X51, क्योंकि X51 यूज किया गया है किसमें, Snapdragon 865 जो कि प्रीमियम ग्रेड का प्रोसेसर है Snapdragon की तरफ से। तो समझ सकते हो सेम वाला मॉडम यूज किया गया है इसमें, तो कनेक्टिविटी के मामले में कोई इशू नहीं। सोचो इंडिया में तो 5G नहीं है, पर 5G मॉडम अगर आप यूज करोगे तो आपको 4G की भी स्पीड है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी। अब इसके लिए मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आपको बस इतना समझना है कि आपकी जो कनेक्टिविटी होगी वो काफी अच्छी हो जाएगी। ये सपोर्ट कर सकता है डुअल वाईफाई एंटीना और वाईफाई 6 का भी सपोर्ट है, यहाँ पे ब्लूटूथ 5.1 का भी सपोर्ट है, मतलब कि सीमलेसली दो डिवाइस से कनेक्टिविटी आपकी बनी रहेगी। चार्जिंग की बात करें तो क्विक चार्ज 4 प्लस का भी सपोर्ट है,
लोकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे डुअल फ्रीक्वेंसी का भी सपोर्ट है एंड आपका जो इंडियन नेविक है उसका भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। डिस्प्ले पोर्ट ओवर टाइप सी का भी ऑप्शन मिलता है आपको। इससे होगा क्या कि जब आप अपना फोन को यूएसबी के थ्रू अपने मॉनिटर अपने टीवी में कनेक्ट करोगे तो डायरेक्टली जो डिस्प्ले पे जो आउटपुट होगा वो आपके मॉनिटर या फिर आपके टीवी पे आउटपुट होगा। एग्जांपल के लिए सैमसंग का जैसे डॉक आता है उस तरह का कोई आपको फोन देखने को मिल सकता है शाओमी रियलमी या फिर दूसरे ब्रांड से भी, तो इसका भी सपोर्ट है यहाँ पे। और ये जो फीचर ये सबसे ज्यादा इंप्रेसिव मुझे लगा, 120 हर्ट्ज का स्क्रीन का भी सपोर्ट है तो आपका जो रिफ्रेश रेट है वो भी काफी अच्छा मिलने वाला। और ये जो 120 हर्ट्ज है ये 600 सीरीज में पहली बार 690 के थ्रू आपको मिलने वाला है। एंड लास्टली क्वालकॉम का अकुस्टिक कोडेक का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आपका जो स्पीकर होगा वो भी काफी हद तक एम्पलीफाई हो जाएगा और जो स्पीकर होगा उससे आपको काफी अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो यही पैकेज आपको देता है क्वालकॉम 690 में। अब ये जो प्रोसेसर या ये जो एसओसी है ये कंपीट करने के लिए बना हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 एंड 820 के से। अब मैंने 820 के रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, आई कार्ड में आपको दिख जाएगी, एक बार आप उसको देख लेना ताकि आप अच्छे से समझ सको। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना ताकि हम लोग इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। मिलता हूं मैं आपसे अपने अगले वाले वीडियो में।